नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, ईशान किशन ने रचा इतिहास, तो क्या पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के मेजबान श्रीलंका ने 7 विकेट से रन दिया। शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम पहले वनडे में जीत दर्ज करने में सफल रही। श्रीलंका दौरे पर सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज में खेली गई टीम इंडिया का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया। दूसरी तरफ यह वनडे मैच डेब्यू ईशान किशन के लिए भी खास रहा। उन्होंने एक दिवसीय करियर का आगाज करते हुए इस मैच में कीर्तिमान रच रॉबिन उथप्पा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दरअसल भारत की तरफ से सबसे पहले डेब्यू वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 50 या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड रॉबिन उथप्पा के नाम था। उथप्पा ने 15 अप्रैल 2006 को इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच में 86 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद 14 सितंबर 2007 को उन्होंने अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ डरबन में 50 रन बनाए थे। हालांकि उथप्पा ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन में खेला था, लेकिन इस मैच में उन्होंने बल्लेबाजी नहीं की। वहीं ईशान किशन ने अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच 14 मार्च 2021 को अहमदाबाद में खेला था। इस मैच में उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन बनाए थे, जिसके बाद ईशान किशन ने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने आतिशी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 59 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान ईशान किशन ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ईशान किशन की इस पारी के बारे में? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।